नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के झंडों से लेकर ईयरबड तक पर 1 जुलाई से पाबंदी लगा दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल के अपने पहले सैटेलाइट PSLV C52 को लॉन्च कर दिया है। PSLV C52 से इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। 1710 किलोग्राम वजन वाला EOS-4 उपग्रह को PSLV C52 के जरिए सूर्य की ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। रेल यात्रियों को अब मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही आपको टिकट मिलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से टिकट की बुकिंग नहीं कराने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नए नियम बनाए हैं। ऐसे लोगों को IRCTC पोर्टल से टिकट खरीदने के लिए पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करना होगा। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अमृतसर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा है कि सारी पार्टियों के लोग मुझे दिन रात गाली दे रहे हैं, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने तो सिर्फ लोगों के विकास के बारे में बात की है। मैंने पंजाब की तरक्की और बच्चों की पढ़ाई, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने की बात ही कही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार यानी कि 14 फरवरी को भाजपा पर निशाना साधते हुए पार्टी पर राज्य के चुनाव जीतने के लिए धर्म और सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। KCR ने कहा है कि 2016 में उरी हमले में जवाब देने में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का श्रेय सेना को दिया जाना चाहिए, न कि भाजपा को। हैदराबाद के प्रगति भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि भाजपा चुनावी राज्यों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही है। पूर्वी लद्दाख समेत पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर विवाद पैदा करने वाले चीन को भारत ने एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले करीब 54 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ ही भारतीय सीमाओं पर विस्तारवादी नीति के तहत पैठ बनाने वाले चीन को आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। भारत इसराइल इस साल कूटनीतिक संबंधों की 30वीं सालगिरह मना रही है। ये दोस्ती द्विपक्षीय संबंधों की नजर से भले ही 3 दशक पुरानी हो, लेकिन यहूदी धर्म का भारत से सदियों पुराना नाता रहा है। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध से बचने के लिए नाटो में शामिल होने के लिए अपनी कोशिश छोड़ सकता है। BBC ने ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत के हवाले से यह जानकारी दी है। राजदूत वादिम प्रिस्टाइको ने BBC को बताया है कि यूक्रेन अटलांटिक सैन्य गठबंधन में शामिल होने के अपने लक्ष्य पर लचीला होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि यह कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक ट्रिगर होगा। RBI ने अपने विभिन्न कार्यालयों में 950 सहायक पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन के मुताबिक असिस्टेंट के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए असिस्टेंट 2021 भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है और भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक संबंधित निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। अब पूर्णिया वासियों के लिए एक और बेहतरीन पहल की गई है। पूर्णिया के सभी थानों और OP में नए नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। ये नंबर 24 घंटे ऑन रहेगा, इसमें सभी फोन कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक दयाशंकर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन नंबरों पर कभी भी फोन कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 फरवरी से पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 6 रुपये और 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। उसने ये भी कहा है कि अगर सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला करती है तो 16 फरवरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 13 रुपये और 18 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। अगस्त 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकॉर्ड था वो तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है। RTI आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस गोवा के हिंदू वोटों को बांटने के लिए चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि गोवा में चुनाव चल रहा है, मैं सभी मतदाताओं को एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने कल गोवा के एक अखबार में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का साक्षात्कार देखा और तृणमूल नेता ने जो कहा उस पर चुनाव आयोग और मतदाताओं को गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अनुसार तृणमूल नेता ने कहा है कि हमने तो इस पार्टी में इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोट को बांटना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य की 55 सीटों के अलावा गोवा और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर आज सोमवार को मतदान हुआ। इसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल रहे। गोवा में चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर में तमाम लोग अभी भी परेशान हैं। वहीं देश भर में अभी भी लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोविड राहत योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोविड राहत योजना को बंद करने का फैसला लिया है। इस योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत चलाई जा रही थी। आज 14 फरवरी को देश जहां पुलवामा हमले की तीसरी बरसी मना रहा है, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था और उन्होंने इस बाबत सबूत मांगे थे। दरअसल साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे दूसरे चरण के मतदान में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का आरोप है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा के बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है। वहीं जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है उनकी जगह वहां तैनात अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 403 पर कई मुस्लिम महिला वोटरों को यह कहकर वापस कर दिया गया है कि आपका वोट पड़ चुका है। बैंकिंग सेक्टर हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा व्यवहार, पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपस में लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। निवेश के मामले में भी एक कई दफा पैन और आधार को जोड़ने की बात कही जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहां भी इन दोनों को आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है, जिसकी जानकारी हाल ही में अधिकारियों की तरफ से साझा की गई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजॉन की याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी तक टाल दी है। ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया है। सीसीआई ने अमेजॉन के फ्यूचर कंपन्स प्राइवेट लिमिटेड FCPL के साथ करीब 2 साल पुराने सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया है। उत्तर कोरिया में कई मालियों की मुसीबत भी इस तानाशाह ने बढ़ा दी है और उन्हें जेल में डाल दिया है। दरअसल इन गार्डनर्स को 16 फरवरी से पहले एक खास फूल खिलाना था, लेकिन वो इस काम में असफल रहे। ऐसे में गुस्साए तानाशाह किम जोंग उन ने कई मालियों को लेबर कैंप भेज दिया है। साथ ही उत्तरी रियान नाग प्रांत के सैमसू काउंटी में एक फार्म मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पौधे की पर्याप्त देखभाल नहीं करने के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई है। डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म भारत के सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा बाजार से उतर गई है। जियो ने लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम से संयुक्त उद्यम गठित किया है। इस संयुक्त उद्यम में जियो प्लेटफॉर्म की 51% और SES की 49% हिस्सेदारी है। सीडर सिनाई मेडिकल सेंटर और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि ओमिक्रॉन लहर में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कम रोगियों यानी कि 4% की मृत्यु हुई, जबकि डेल्टा लहर में भर्ती होने वाले रोगियों में 8.3% की मौत हुई थी। अमेरिका में सीडर सिनाई मेडिकल सेंटर के शोधकर्ता मैथ्यू मोड्स ने कहा है कि कुल मिलाकर वैक्सीन लगे मरीजों को ओमिक्रॉन लहर में गहन देखभाल इकाई में भर्ती होने की कम आवश्यकता पड़ी थी और डेल्टा संक्रमण की तुलना में यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता भी कम देखी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को RBI बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मामले पर बात की है। सीतारमण ने कहा है कि पूर्ववर्ती UPA शासन के दौरान ABG शिपयार्ड खाता NPA में बदल गया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने की आस में तमाम राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज आज राज्य में प्रचार करते देखे गए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बुंदेलखंड का रुख करते हुए अपनी झांसी में एक रैली को संबोधित किया। पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और पंजाब लोक कांग्रेस के सुप्रीमो रहे अमरिंदर सिंह का मानना है कि विधानसभा चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन की स्थिति मजबूत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के प्रमुख के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों को 30 अप्रैल 2022 तक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल के बाद उम्मीदवारों के प्राप्त नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आक्रामक रुख अपना रखा है, लेकिन उससे अपने देश के अंदर उन्हें कोई सियासी लाभ होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका के लोग बाइडेन की तरफ से लगातार किए जा रहे इस वादे पर भी यकीन करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं कि अमेरिका के अच्छे दिन आने वाले हैं।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कल यानी कि 15 फरवरी 2022 को घोषित किए जाने की उम्मीद है। बोर्ड की तरफ से सीटीईटी 2021 रिजल्ट की तारीख आधिकारिक तौर पर परीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से साझा की गई थी। दिसंबर 2021 चक्र में परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सीबीएसई द्वारा सीटीईटी रिजल्ट 2022 की घोषणा 15 फरवरी 2022 को किसी भी समय पर किए जाने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झांसी के मऊरानीपुर में पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शाह ने कहा कि ये परिवारवाद पार्टियां देश और दुनिया के लोकतंत्र पर धब्बा है। ये पार्टियां उत्तर प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकती। इन पार्टियों में लोकतंत्र को बढ़ाने की कोई ललक नहीं है। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दे सकती है। महंगाई भत्ता HRATA प्रमोशन मिलने के बाद अब उनकी सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बाबूलाल बरांडी, AK नुनू कुमार, एडमैक्स रेवशी, मृत्युंजय कुमार, सोनाक्षी, अनिल सिंह, प्रिया यादव ऑफिशियल, अखिलेश यादव, संदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, सुधांशु कुमार, मृत्युंजय सिंह, विभाकर चौधरी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स को बंद करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।